कुछ ही दिनों बाद होली का पर्व है और रंगों के त्योहार को लेकर लोगों में अलग उत्साह है। हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। हर जगह होली का अलग रंग देखने को मिलता है। इसी कड़ी में पहाड़ों में खेली जाने वाली होली भी काफी प्रसिद्ध है, खास तौर पर कुमाऊं की होली, जिसे कुमाऊनी नाम से भी जाना जाता है। दरअसल उत्तराखंड के सबसे फेमस टूरिज्म प्लेस नैनीताल में मां नंदा देवी के मंदिर में कुमाऊनी होली की शुरुआत हुई, जहां महिलाओं ने भजन और पुरुषों ने खास पोशाक पहनकर होली खेली। आपको बता दें कि उत्तराखंड की कुमाऊनी होली अपने आप में खास है। इस होली के तीन स्वरूप होते हैं, बैठकी होली, खड़ी होली और महिला होली। यहाँ होली केवल रंगों के साथ नहीं बल्कि गायन, नृत्य और सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए खेली जाती है। होली के स्वरूप की बात करें तो अल्मोड़ा और नैनीताल में मुख्यतः बैठकी होली मनाई जाती है, जहाँ होली पर आधारित गीत घर की बैठक में राग रागनियों के साथ हारमोनियम और तबले पर गाए जाते हैं। जबकि बैठकी होली के कुछ दिनों बाद खड़ी होली शुरू होती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। खड़ी होली में गांव के लोग टोपी, कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा पहनकर एक जगह इकट्ठा होकर होली गीत गाते हैं और साथ ही साथ ढोल, दमाऊं और हुड़के की धुनों पर नाचते हैं। जबकि महिला होली में प्रत्येक शाम बैठकी होली जैसे ही बैठकें लगती हैं, जिसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं। इसके गीत भी महिलाओं पर ही आधारित होते हैं। फिलहाल उत्तराखंड में होली का त्योहार अपने शबाब पर है और पर्यटकों को भी ये होली काफी ज्यादा पसंद आ रही है। खैर, नैनीताल की इस होली के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।